हेलो एवरीवन। देखो यार, आज मॉर्निंग में मतलब 26th की मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम हुआ है अपना जेई मेन का, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ने लाला के जितने भी उन्हें क्वेश्चन याद रहे, ऑप्शन याद रहे, उनके बेस पर हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मोर और लेस चीज़ें लगभग वैसी ही रहेंगी। एग्जैक्ट पेपर तो ये नहीं है, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेवेंट हैं, हम कह सकते हैं मैक्सिमम हिस्सा यही रहेगा। चलो डिस्कस करते हैं यार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं यार अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई अमोनोलाइसिस। यार तुम्हें क्या कराना है, अमोनोलाइसिस कराना है ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है सर, इथाइल क्लोराइड का हमें अमोनोलाइसिस कराना है। हमें नहीं पता यहाँ पे RnH2 टाइप कुछ भी है। ठीक है, हमें नहीं पता सर R क्या है, हम नहीं जानते अभी तक। ठीक है, और जो अमोनोलाइसिस के बाद में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो रिएक्ट करता है विद टोसाइल क्लोराइड। अच्छा सर, टोसाइल क्लोराइड क्या हो गया सर? टोसाइल क्लोराइड, हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट तो याद है ना, क्या ये वही है? नहीं, थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ तक तो हिंसबर्ग की बात आ गई और टोसाइल क्लोराइड तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, जो बना है उसकी रिएक्शन तुम्हें यहाँ करानी है, और कराने के बाद में कह रहा है बट रिमेन्स इनसॉल्यूबल इन KOH। इसका मतलब क्या समझ में आता है हमें कि सिचुएशन कैसी रही होगी? सिचुएशन ऐसी रही होगी कि इनसॉल्यूबल है इन KOH, रिएक्ट कर रहा है लेकिन इनसॉल्यूबल है, तो मतलब डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये 2 डिग्री अमीन होना चाहिए, है ना? 1 डिग्री होता तो सॉल्यूबल होता। ठीक है चलो, तो मतलब समहाव हमने समझ ली ये बात कि सर यहाँ से क्या बन रहा होगा। यहाँ से इसने यहाँ पे अटैक किया, बैक साइड में ये लीव किया, तो बन गया होगा सर कुछ RnH समथिंग C2H5, ये बन रहा होगा, है ना? क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तो क्या बोला है तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड बाई अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, और रिएक्ट कर रहा है वो किसके साथ में? टोसाइल क्लोराइड के साथ में, लेकिन रिमेन्स इनसॉल्यूबल इन KOH हमें बताना है। तो डेफिनेटली यार तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी इसके बेस पर, मतलब यहाँ पे भी जो भी रिएक्शन होती है तुम्हें याद है ना, ये जो हिंसबर्ग का टेस्ट है वही सारी चीज़ें हैं आगे। तो ठीक है, जैसे हिंसबर्ग के टेस्ट में मैं अगर बात करूँ, RnHC2H5 है तो जो NH का लोन पेयर है यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, जो NH का लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा सर, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई तुम्हें? और क्या बन जाता है? हाँ, बन जाएगा तुम्हारा NRC2H5, और यहाँ पर सर S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और ये सिचुएशन तुम्हारे सामने बन गई सर, है ना? ठीक है चलो, वेल एंड गुड। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है तुम्हें, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये इनसॉल्यूबल है इन KOH। क्लियर हो गया? तो क्या होना चाहिए सर उसमें? इथाइल ग्रुप तो मौजूद होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप भी हो, दूसरा वाला आर तो कुछ भी हो सकता है, तो इथाइल वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कौन सा? फोर्थ फैक्ट टिक करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बोला हुआ है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होगा सर? हाँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सर बन गया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा सर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये इसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिल्कुल है सर, है ना? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर। ठीक है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर, है ना? और क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट तो मतलब करेक्ट हो गया। दूसरा बोला जा रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कह रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या? नहीं यार, अब इसकी वजह से हो क्या गया, इसकी जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होगा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ही दूसरा ग्रुप होगा, उसके साथ में इसका इंट्रैक्शन, अभी उसके साथ में इसकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई, ये उतने इफेक्टिव तरीके से उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा इसकी वजह से। क्लियर है ये बात? तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड है वो फॉल्स है। यहां तक चीजें ठीक है, गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
है ना यार क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, NaNH2 के साथ में हीट किया, कैसी कंडीशन दे रखी है सामने वाले ने, स्ट्रॉन्ग एक बेस ले रखा है, हीट करवा रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले सर E2 एलिमिनेशन की कंडीशन सामने वाले ने दे रखी है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। किस तरीके से होगी सर एलिमिनेशन रिएक्शन, समझाओ थोड़ा सा। CH3CH डबल बॉन्ड CHBr, NH2 माइनस ने क्या किया जी, हाँ NH2 माइनस क्या किया जी, लेके निकल लिया, ठीक है। और यहाँ पे अटैक, और ये सॉरी, जैसे यहाँ पर अटैक हुआ ये Br यहाँ से लीव कर जाएगा। E2 एलिमिनेशन की जो मैकेनिज्म फॉलो होती है अपनी, ठीक है। तो मतलब क्या मिल चुका है सर अपने को, अपने को मिल चुका है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे, रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनती है अपने को, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये थर्मोडाइनामिकली स्टेबल है अपने आप में, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट। हाँ बाकी भी बनते हैं, CH3 का जो अरेंजमेंट है बाकी कहीं पे भी आता है, लेकिन जो उसकी ट्रेस हैं दूसरों की वो बहुत कम मिलती हैं, और ये अपने आप में स्टेबल है इसलिए यही मेनली मिलता है अपने को, ठीक है। तो मेसिटिलीन का फॉर्मेशन है, मेजर प्रोडक्ट ही तुमसे बेसिकली पूछा हुआ भी है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। बोला हुआ है विच विटामिन इज यूज इन दी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन में कौन सी विटामिन। ये बायो वालों के लिए तो आसान है क्वेश्चन, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जी मेन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को हो सकता है थोड़ा सीरियसली ना लिया हो, लेकिन एक बात नोटिस कर लेना तुम लोग कि विटामिन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन और हैं जैसे विटामिन का हो गया, एक एफ ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हर शिफ्ट में, और तीसरा अलॉय का क्वेश्चन हो गया एक, ये हर शिफ्ट में मोर और लेस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सामने वाले की मानसिकता है, अब क्या कर सकते हैं। तो विटामिन के इसका आंसर है, ये याद होनी चाहिए थी अपने को, तभी बता पाएंगे। और एक्चुअल में कैसे होता है ये प्रोसेस, ये तो बायो वाले पढ़ते ही हैं, NCERT में खूब बढ़िया से इसकी मैकेनिज्म दे रखी है बायो में, है ना, खूब आधे से एक पेज में दे रखी हैं सारी चीज़ें, तो उतना अपने को नेसेसरी नहीं है जानना, बस इतना जानना था कि विटामिन के कोगुलेट करती है, ठीक है। विच इज़ दी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन, ध्यान से देखने से पता चलेगा हमें कि क्या होगा सर, हाँ Br2 किसकी प्रेजेंस में है, यही चीज़ पहचान लेते तो आंसर आ जाता, H𝛎, मतलब क्या किससे जाएगा सर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा तो कहाँ पे जाके जुड़ रहा होगा, ये हमने क्या ले रखा है सर, ये लिया हुआ है यार CH2CH3, और इसकी मेटा पोजीशन पे जोड़ रखा है तुमने CN को, ठीक है, क्लियर है। तो कहाँ पे जाएगा जो Br फ्री रेडिकल है, वो कहाँ पे ऐड हो रहा होगा सर, यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH Br CH3, और यहाँ पर सर CN, क्लियर है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, मैकेनिज्म अगर तुम्हें पता होगी, मतलब फ्री रेडिकल तुम्हारे दिमाग में अगर ये चीज़ पहचान गए होंगे, इसको देख के सनलाइट की प्रेजेंस में ये देख के पहचान गए होंगे, तो आंसर अपना आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला हुआ है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन, नियोप्रीन दरअसल किसका पॉलीमर है, क्लोरोप्रीन का, ठीक है, क्लोरोप्रीन क्या है सर, क्लोरोप्रीन है सर हाँ 2-chloro-1,3-butadiene, ठीक है सर, बन गया, है ना, हाइड्रोजन सब बैलेंस्ड है, 4-4, ठीक है। ये क्या है सर, ये 2-chloro-1,3-butadiene है सर, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोप्रीन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी का पॉलीमर क्या होगा, नियोप्रीन होगा, और ये ट्रांस पॉलीमर है दरअसल, किस तरीके से ये बॉन्डिंग में आगे चला जाएगा, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा, ठीक है, सिंपल सा,
ट्रांसफॉर्म में दिखाना है, तो CH2 इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से एयर और ये आ गया फिर बॉन्डिंग में इधर चला जाएगा, तो मतलब जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ गया तुम्हारा, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, तुम ट्रांसफॉर्म में दिखा रहे हो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दिखाता है यार, हो गया ना परफेक्ट CH, और यहाँ पर ये CH2 इस तरीके से। और सर ये तो मोनोमर यूनिट है, और इसमें अगर मैं एन लगा देता हूँ तो ये चेन चलती जाएगी, ये क्या है ट्रांस है, अपने आप में ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है ये, ठीक है क्लियर है ये बात। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा कौन सा सूटेबल है, सर ये सूटेबल है, तो इसके बेस पे अपन बता सकते हैं यार, है ना। ये सीधा सीधा NCERT से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला हुआ है व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो चेक करेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो कंडीशन दे रखी है वो किसकी दे रखी है सर, रीमर टीमान रिएक्शन की दे रखी है, है ना, रीमर टीमान रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, रीमर टीमान रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर सर CHO आ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और दूसरा ये है ना मेजर, तो और ये माइनर है दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा, ठीक है। मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, रीमर टीमान रिएक्शन अगर तुम्हें याद होगी तो तुम आराम से ये चीज़ बना सकते हो, वेल एंड गुड। चलो अब एक प्रोडक्ट तो ये आ गया, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है ऐसा, तो सर यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह है, लेकिन दूसरा भी तो पूछ रहा है ब्रोमीन Br2CH2 के साथ में। अगर ब्रोमीन वाटर सामने वाले ने ले रखा होता तो ब्रोमीन वाटर तो क्या हो जाता सर, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता, लेकिन अभी क्या है Br2CH2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में इन्होंने ले रखा है। अगर पोलर सॉल्वेंट के साथ में प्रेजेंट होता एक बहुत रिएक्ट, फिर अपने आप में रिएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता O माइनस, ये बड़ी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की सप्लाई करता कंपेरेटिवली टू OH, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, Br2CH2 है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मोनो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही Br ऐड होगा, मतलब सर Br मेजर जो होगा वो ये होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्थो वाला भी बनेगा पैरा वाला भी बनेगा, लेकिन जो मेजर होगा वो Br पैरा वाला होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, C4H8Cl2 का हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या बन गया सर, C4H8O का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा इससे तो हमें कुछ नहीं पता चला अभी ज्यादा, फिर कह रहे हैं बी फॉर्म्स ऑक्साइम विद NH2OH, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं बनता होगा, बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, मतलब क्या होगा वो डेफिनेटली सर कीटोन रहा होगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सर वो क्या होगा, वो कीटोन रहा होगा, ये बात क्लियर है ना। तो कौन से ऑप्शन सर, ये ऑप्शन तो क्लियरली डिस्कार्ड आपने कर दिए, क्यों सर ये 2-butanol है, ये भी 2-butanol है, तो रेस में कौन बचे सर, 2-butanon मतलब 2-butanon तुम्हें बनाना है, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, 2-butanon तो बना देंगे, हर कोई बना सकता है। अच्छा CH3COCH2CH3 इसका फॉर्मेशन कराना है ना, और अब क्या बचा है, ये कब बनेगा तुम्हें क्या लग रहा है कीटोन कब बन रहा होगा, तो जब दो OH ग्रुप मौजूद रह रहे होंगे, तो सर यहाँ से अनस्टेबल है ये, है ना, जेमिनल की कंडीशन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, दो OH मतलब H2O यहाँ से निकल गया होगा तभी CO बना होगा, तो ये दो OH ग्रुप आए कब होंगे, जब किसी ग्रुप को इन्होंने रिप्लेस किया होगा, तो मतलब क्लियर है सर कि जेमिनल डाइहेलाइड ही स्टार्टिंग में रह रहा होगा, मतलब एक ही कार्बन पर दो Cl ग्रुप जुड़े रह रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब कौन सी कंडीशन हो गई सर, वो 2,2-dichlorobutane नहीं भरोसा हो रहा है तो बना के देख लेते हैं, ठीक है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कैसे 2,2-dichlorobutane बना के अगर देखें, हाँ सर ये बन गया 2,2-dichlorobutane। अब क्या होगा सर, H2O ने जैसे ही अटैक किया यहाँ पर, तो क्या हो रहा होगा सर, एक बार ये लीव किया, फिर दूसरी बार फिर अटैक किया, फिर दूसरा लीव किया होगा, तो बन गया होगा सर, है ना, ये यहाँ पे OH आ गया होगा, यहाँ पे OH CC और एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, तो H2O यहाँ से निकला और सर इसका फॉर्मेशन कर दिया होगा। बस थोड़ा सा ही सोच लेते ना, सिर्फ टॉलेंस टेस्ट वाली बात याद होती तो दो ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड हो जाते, और फिर बाकियों के केस में 2-butanon तक तुम्हें पहुँचना था और यहाँ से तुम बहुत आराम से पहुँच सकते थे, ठीक है। चलो वेल एंड गुड, नेक्स्ट हाँ पढ़ो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट वन में, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन इज सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। जब मैं प्योरिफिकेशन मेथड की बात करता हूँ तो वहाँ से बात क्लियर है कि CHCl3 का जो क्लोरोफॉर्म है उसका नेचर क्या है, वॉलेटाइल है अपने आप में, ठीक है। नेचर क्या है सर इसका, वॉलेटाइल इन नेचर, और उसकी वजह से क्या होगा, लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, आराम से वॉलेटाइल है। लेकिन जब मैं एनिलीन की बात करता हूँ तो एनिलीन में एक एनिलीन मॉलिक्यूल दूसरे एनिलीन मॉलिक्यूल के साथ में अपने आप में इंट्रैक्शन है, ठीक है, और जहाँ पर ये मौजूद हैं वहाँ भी आपस में इंट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस रह रहे होंगे, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रह रही होगी, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा दरअसल, और होता भी है कि एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो सिंपल डिस्टिलेशन बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, व्हेन वी सेपरेट वाटर एंड एनिलीन बाई स्टीम डिस्टिलेशन एनिलीन बॉयल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, ये तो सर इमिसिबल लिक्विड हो गए। और होता भी यही है कि जो एनिलीन है वो 100 के नीचे नीचे ही अपना काम ख़त्म करके निकल लेता है, ठीक है, भले ही उसका बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो रहा हो, है ना, ठीक है। तो वो बॉयल भी हो जाता है और ये क्या है आपस में, ये इमिसिबल है सर, इमिसिबल, ठीक है सर। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लोरोफॉर्म जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है और दूसरा भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू, ठीक है। प्योरिफिकेशन मेथड में ये बातें हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, है ना। तो जेल्डाल मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में काम आता है, ठीक है। कैरियस ट्यूब जो है यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, ये भी ठीक है, कैरियस ट्यूब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नहीं ये तो गलत बात हो गई और फॉल्स ही हमसे पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। लास्ट पढ़ लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेसिपिटेटेड बाई एडिंग मैग्नीशिया मिक्सचर ऑन यील्ड Mg2P2O7। तो होता क्या है दरअसल, जो प्रोसेस होता है ना, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, और उसको जब हीट करते हैं तो हमें वाइट कलर का Mg2P2O7 अपने को मिल रहा होता है, ठीक है, क्लियर है तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, तुमसे बोला हुआ है कि यार कोई कंपाउंड है रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, ये तो इवन हमारे शीट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन दे रखा है ना, और ये तो क्लास में कर चुके होते हैं बच्चे। तो सल्फाइट है अगर, ठीक है सल्फाइट है कोई कंपाउंड है हॉट डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, तो क्या निकलेगी सर, SO2 निकलेगी, और वो क्या कर रही होगी सर, K2Cr2O7 को जैसे ही लाएंगे, K2Cr2O7 में पेपर डिप्ट करके जैसे ही अपन लाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, Cr2SO4 होल थ्राइस ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होगा क्रोमियम 3+ की वजह से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तो बच्चों को याद ही रहता है ये क्वेश्चन तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ना, इसको तुम हिट एंड ट्रायल, मतलब इन द सेंस कि तुम्हें एक अगर करनाइट जो है वो पता भी नहीं है ना कि ये बोरोन का ओर है, मैं तो अब तो बता रहा हूँ हम डिस्कस कर रहे हैं तो, है ना, तो अगर ये नहीं भी पता होता तो बाकियों के बेस पे देखो। कैलेमाइन का मतलब क्या है, तुम्हें पता है कि सर ZnCO3 है, ठीक है, तो बी के साथ में पी मैच हो गया सर, है ना। दूसरा कैसिटराइट मतलब टिन स्टोन भी बोला जाता है इसको, और या फिर SnO2 इसके लिए, ठीक है, तो मतलब ये सर सी के साथ में एस हो गया। डी के साथ में डी क्या है, क्रायोलाइट मतलब Na3AlF6 है सर, है ना, तो डी के साथ में क्या हो गया, हाँ फ्लोरीन आ गया इसमें, ठीक है, एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना फ्लोरीन, तो मतलब डी के साथ में क्यू आ गया। तो अब क्लियर बात है कि ए के लिए क्या बचा है सर, ए के लिए आर बचा है, बस इकलौती चॉइस है ना। तो ए में आर हो, बी में पी हो, सी में एस हो और डी में क्यू हो, तो इकलौता ऑप्शन नजर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा सर कर्नाइट तो होता क्या है, तो Na2B4O7
सर आप बोरेक्स लिख रहे हो क्या? नहीं यार, बोरेक्स तो 10H2 होता है, ये 4H2O होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला हुआ है कि लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से तो सर PbO2, PbSO4 ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में, लेकिन एम्फोटेरिक नेचर का कौन है इनमें से? अगर हम बात करें तो PbO2 एम्फोटेरिक है इन नेचर और बहुत आराम से बिहेव कर लेता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीज़न क्या है? हाँ अरे भैया कहाँ है ये, कहाँ है ये, बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो चाहेगा ना कि +2 में प्रेजेंट रहना बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से चाहेगा ये तो। ठीक है, तो ये तो +2 में रहना चाहेगा और है अभी किस में? +4 में प्रेजेंट है, तो +4 से +2 में आना चाहेगा, खुद को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अगर सामने वाले को ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो कैसा नेचर हो गया इसका? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रहना पसंद कर रहा है वो, खुद को रिड्यूस करना पसंद कर रहा है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा, उतने ही भयंकर तरीके से सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? PbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ विच डज नॉट फॉर्म MO2। ये तो भैया देखो NCERT जब खोलोगे F ब्लॉक में 8.5.3 सेक्शन शायद होना चाहिए तुम्हारा, देख लेना यार जो भी हुआ ना अप्रोक्सीमेटली, मेरे को ऐसा बता रहा हूँ दरअसल। तो वहाँ पे एक सेक्शन सा बना हुआ है, उसमें भर भर की ये बात लिखी हुई है, एग्जैक्ट ये NCERT की लाइन है, एग्जैक्ट वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यार ये वैसे तो ठीक है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन जनरल, है ना, लेकिन ये जो चारों हैं, ND हो गया तुम्हारा, DY और PR, लेकिन एक और कौन, टर्बियम, जिसे हम TB कहते हैं, कौन सा है सर? टर्बियम, वो भी इनके साथ था। इन्होंने क्या चालाकी करी, इसकी जगह पे ये दे दिया। ठीक है, ये तो सर ठीक है, ये तो +2 और +3 में प्रेजेंट होता है, +4 में नहीं होता। हाँ ये चल जाते हैं, ये +4 में चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है विच डज नॉट फॉर्म MO2, तो कौन सी चॉइस हो गई? बस और बस ये चॉइस हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है सर। 1s2 2s2 मतलब बेरिलियम हो गया सर, और ये क्या हो गया? हाँ बोरॉन हो गया सर, ये नाइट्रोजन हो गया सर, ये ऑक्सीजन हो गया। अब आगे निकल के सर बेरिलियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब तो बता दो इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझ में आता है कि ये तो सर बेरिलियम बोरॉन, अगर मैं इनको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो सर बोरॉन से ज़्यादा तो बेरिलियम है। क्यों है? कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s2 है। ठीक है, और फिर यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन कम है, फिर नाइट्रोजन है, क्योंकि हाफ फिल्ड है अपने आप में। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ वैल्यू, तो किस किस की क्या हो जाएगी? हाँ जी, तो बोरॉन की वैल्यू हो जाएगी सर 801 और बेरिलियम की हो जाएगी सर 899, ऑक्सीजन की हो जाएगी सर 1300 और नाइट्रोजन की हो जाएगी सर 1400। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो डिटरमाइन रिएक्शन मैकेनिज्म, तो अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, तो मतलब कहीं पे ही जैसे KH/KD का रेशियो हम जब कैलकुलेट करते हैं, मतलब कहीं पे हाइड्रोजन जा रहा है रिएक्शन में पार्ट लेने या कहीं पे ड्यूटेरियम जा रहा है, तो ठीक है, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट में ये बात तो ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में। और दूसरी बात बोली हुई है विस्कोसिटी ऑफ हैवी वाटर इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये गलत है। रीज़न क्या है कि जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन सर, उससे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही D2O होगा तो DOD है इस तरीके से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है बजाय कि H2O के यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या होगा सर, यहाँ पर चार्ज भी उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, जो पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आएगा वो भी अपने आप में उतना ही डेवलप होगा।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन जो होगा, जो आपस में इंट्रैक्शन होगा एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसकी वजह से जो बॉन्डिंग है इनकी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी। उसकी वजह से विस्कस भी होगा, विस्कस होगा ज़्यादा बजाय कि H2O के, और विस्कस भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी दूसरे के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से हो गए, ए और डी स्टेटमेंट अपने करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इज द ओनली नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में ऑब्जर्व होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं है। तुमने देखा होगा कि मैं अगर बात करता हूँ HF2- मतलब KHF2 की चर्चा तुमने सुनी होगी बहुत आराम से, ठीक है, KHF2 है ना। जब KF को HF में डाला जाता है, KF सॉलिड है, उसको जब HF में डाला जाता है, जब KHF2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये है भी किस तरीके से सर, K प्लस HF2- है, मतलब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो है भी इस तरीके से ही HF, ठीक है, बहुत सॉलिड अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो होगा इनकरेक्ट हो गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बोला इज दी ओनली, ये टर्म इस्तेमाल करके गलत कर दी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल ही नहीं है, आयन डाइपोल भी हो सकता है, आयन डाइपोल भी अपने आप में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूँ, बोला हुआ है F इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये कैसा हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। एफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और HF फॉर्म सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि HF ही HF के साथ में है और बनाता भी कुछ इस तरीके से ही है, H हुआ, F हुआ, फिर यहाँ से फिर H, फिर F, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और फिर अगले वाले का H यहाँ पे, ये F यहाँ पे, तो जो भी ब्रिज का ब्रिज पे जो आ रहा है हमेशा, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो एक सिमेट्रिकल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड आर ईच टू, दोनों के दोनों दो हैं टोटल मिला के, ठीक है, तो मतलब 2+2 टोटल नोड अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ से कि सर टोटल नोड कितने हो गए, टोटल नोड हो गए 4, ठीक है, और वैसे क्या होता है टोटल नोड की वैल्यू n-1, तो n कितना आ गया सर 5, तो इकलौता ऑप्शन ऐसा है, बस टिक करो आगे बढ़ो, क्यों ज़्यादा मगजमारी ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, O3 इन ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन क्या करता है दरअसल, है ना, ट्रोपोस्फीयर अगर स्ट्रेटोस्फीयर में होता तो ठीक है भैया कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज का 99.5% ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो ये एज अ पॉल्यूटेंट बिहेव करता है और स्मोक का फॉर्मेशन करता है, और स्मोक दो तरीके की होती है, क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, तो फोटोकेमिकल स्मोक में जो सेकेंडरी प्रीकर्सर बनता है वो यही बनता है O3 टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन डाइक्रोमेट रिएक्ट विद बेस, ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा सर, CrO42- का फॉर्मेशन होगा, पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगी सर +6, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.12 ग्राम ऑफ O2 इज एडजॉर्ब इन 1.2 ग्राम प्लेटिनम, डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ O2 एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ प्लेटिनम एट 180 एंड 300 केल्विन। थोड़ी देर के लिए, है ना, इस चीज़ को थोड़ा साइड में कर दो, है ना, इसको लेंगे अपन, ठीक है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, इसको मत देखो एक बार, आप पढ़ो इस क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि सर पूछा है हमसे डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ O2 एट 180 एंड 300 केल्विन, ठीक है, तो सारी कंडीशन दे रखी है, तो PV=nRT अगर मैं लाऊं, तो वॉल्यूम चाहिए सर मेरे को, तो वॉल्यूम क्या हो गया nRT/P हो गया, ठीक है, nR कितना है सर 0.082 है, मतलब 1/12 है, इनटू टी कितना है सर 300 केल्विन है, और नीचे आ गया प्रेशर कितना हो गया सर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा,
ये क्या है, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एन, एन कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल, तो कितनी 3.12 ग्राम ऑफ ओ टू, यही तो एडजॉर्ब हुई है, ठीक है, तो कितना हो गई एन, क्या हो गई 3.12, यहीं पे लिख दूं मैं, अरे सर 3.12/32, ठीक है, ये हो गई एन आर टी वाई पी की वैल्यू, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। तो तुमसे पूछा क्या है, है ना, तुमसे ये जो तुमने, ये तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया तुमने, लेकिन तुमसे पूछा है पर ग्राम, ये किसके लिए है, 1.2 ग्राम के लिए है, तो पर ग्राम के लिए निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, क्लियर हो गया, वाई 1.2 कर दो, ठीक है, चिल है एकदम, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2O, है ना, तो इसमें इसके एक मोल के साथ में कितने जा रहे हैं, इसके 5 फेराडे इसके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दिया हुआ है तुम्हें, पूछ रहा है मतलब बेसिकली कि इसके 5 मोल अगर तुम ले लो तो इसके कितने फेराडे इस्तेमाल होंगे, तो सर 5 × 5 क्या आ जाएगा, 25 फेराडे, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान है, नहीं तो सोचना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड्स इन Mn2CO10, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए पूछ लिया तुमसे कि सर MnMn के बीच में तो इस तरीके से लिंकेज हो जाएगी, ठीक है, CO, है ना, CO, 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 CO और CO, ये MnMn के बीच में लिंकेज है, तो मतलब MnMn के बीच में लिंकेज है, कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, ईए फॉरवर्ड के लिए दे रखी है, ईए बैकवर्ड के लिए निकालनी है, तो क्या हो, क्या होता है डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच आर क्या हो जाएगा सर, ईए माइनस ईबी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, ठीक है। तो डेल्टा एच आर की वैल्यू तो हमें सर दे रखी है -20 इज इक्वल टू ई ए, कितना हो गया 30 माइनस ई बी, है ना, ये फॉरवर्ड के लिए है, ई ए एफ ऐसे लिख सकते हो, और इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, हाँ सर ई ए एफ माइनस ई ए बी ऐसे लिख लो करके इसे, ठीक है। तो 30 माइनस ई ए बी हमें कैलकुलेट करना है, तो सर ई ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी 30 + 20 इज इक्वल टू 50 यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल, जिसमें हमारा आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ, 4R रिएक्शन डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है टेम्परेचर की टर्म में, और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट दी मिनिमम टेम्परेचर एट विच दी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तो डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी क्या होता है सर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है 80 किलो जूल, मतलब ठीक है माइनस, और ये वैल्यू कितनी है सर, डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 2t, और ये भी t है, तो 2t² ये लेस देन जीरो होना चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर कि 40,000 माइनस टी स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। अब ये वैल्यू कब होगी, जब टेम्परेचर अगर टेम्परेचर तुम्हारा 200 केल्विन से ज़्यादा होगा तब तो ये बात ठीक है, जैसे ही 200 हुआ ये बराबर जीरो हो जाएगी, है ना, और 200 से कम हुआ तो ये टर्म अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब तक टेम्परेचर 200 केल्विन से ज़्यादा रहेगा, मतलब मिनिमम 200 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, तो कौन सी कंडीशन है, क्या है वो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा हुआ है फॉर अ गैस पी वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, तो ये वैल्यू आ रही है डिफ्रेंशिएट करने पर जेड को, तो x क्या होगा कैलकुलेट करते हैं, इन्होंने जो जानकारी दे रखी है उसके बेस पर p v m माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, तो क्या हो जाएगा सर p v m माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी, मतलब सर p v m इज इक्वल टू पी वी प्लस आर टी, तो मतलब क्या हो गया सर p v m बाई आर टी, ठीक है, आर टी से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू पी वी
बाय आर टी प्लस वन। तो ये वैल्यू क्या है सर, ये तो जेड है, तो यहाँ से क्या आ गया सर कि जेड इक्वल टू वन प्लस पी बी बाई आर टी। आगे डिफ्रेंशिएट कर रखा है, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लेके प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा सर डी जेड बाई डी पी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है सर और ये हो जाएगा बी बाई आर टी। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी टू रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या दे रखी है, ए बी टू इज इन इक्विलिब्रियम विथ, ये भी गैस है, ए गैस प्लस टू बी गैस के साथ में इक्विलिब्रियम में है। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विथ वन मोल ऑफ ए बी टू इन 25 लीटर कंटेनर, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 1.98 atm एट 300 केल्विन, ठीक है। इक्विलिब्रियम में प्रेशर ये है, तो हम क्यों ना पूरी की पूरी रिएक्शन को प्रेशर की टर्म में हम डील करें तो बेटर होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में एक मोल ले रखा है, 25 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ले रखी हैं स्टार्टिंग में, और टेम्परेचर ये ले रखा है। तो मैं पी बी इक्वल टू एन आर टी लगा दूँ स्टार्टिंग के लिए, है ना, पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कितना आ जाएगा सर, प्रेशर आ जाएगा, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, एन आर टी वाई वी, तो सर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल कितना लिया गया है, वन मोल लिया गया है इसका, वन मोल है सर। आर कितना हो जाएगा सर, अगर लीटर एटीएम में ले रहे हो सारी की सारी यूनिट, तो 1/12 हो जाएगा, और टी कितना है, 300 केल्विन हमने ले रखा है, 300 केल्विन हमने ले रखा है, और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर, 25, ठीक है, वॉल्यूम 25 है सर, ठीक है। तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 1 निकल के आ गई यहाँ से, प्रेशर आ गया सर 1 atm, प्रेशर 1 atm निकल के आया, तो ये 1 atm है, t इक्वल टू जीरो पे ये कितना है सर, 1 atm है। मैं पूरी इक्वेशन को अब प्रेशर की टर्म में डील कर सकता हूँ, तो किसी टाइम t पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई होगी, t इक्विलिब्रियम, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि सर 1 - p, यहाँ पे p और ये 2p, इक्विलिब्रियम पे सर बोला हुआ है इसने कि 1.9 atm प्रेशर है टोटल, तो मतलब वो इनको ऐड करके ही बन रहा होगा, तो मतलब सर हो गया वो 1 + 2p की जो वैल्यू है वो 1.9 atm है सर। तो यहाँ से हम लिखना चाहें कि 2p क्या है सर, 0.9 atm है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन तुमसे पूछा तो है kp, तो kp क्या हो जाएगा, kp हो जाएगा सर 4p² × p, और नीचे आ गया 1 - p, तो क्या करो यहाँ से p की वैल्यू रख दो 0.9/2, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहीं पे डिस्कशन अपना एंड है, थैंक यू।